वी आर गु कम्पेयर दैट एंड यू विल गेट अ गुड आइडिया रिगार्डिंग द डिफरेंस दोनों में डिफरेंस क्या है आपको क्या अडिशनल जो है वो पढ़ना पड़ेगा बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र के लिए इफ़ यू आर स्टार्टिंग द सेम स्टडी मिटीरियल फॉर बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र एंड आई बी पी एस आर आर बी जी बी ओ स्केल टू दैट्स टोटली फाइन बट कुछ एक अडिशनल टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे राइट सो बी ओ एम जर्नलिस्ट ऑफिसर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री क्रैश कॉर्सिज अवेलेबल ऑन बैंक एग्जाम डॉट कॉम एट अ वेरी रिजनेबल प्राइस

बैंकिंग अवेयरनेस फ्रॉम लास्ट सिक्स मंथ्स आर वे सर्कुलर लास्ट वन ईयर ओके गवर्नमेंट स्कीम्स वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू बैंकिंग वुमेन एम्पावरमेंट इंश्योरेंस स्कीम्स वैसी ही स्कीम्स आती हैं मुद्रा योजना जनधन योजना सुकन्या समृद्धि योजना पी पी एफ एन पी एस अटल पेंशन योजना व्यय वंदना योजना ऑल दीज स्कीम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिस्ट में पंद्रह बीस स्कीम्स हैं तो आई हैव ऑलरेडी डन इन द प्लीज़ चेक एफ एम यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है पिछले चार सालों से देर इज नो क्वेश्चन ऑफ़ एफ एम इन द आर आर बी जी बी एंड दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन आर आर बी जी बी एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र स्केल टू एंड स्केल थ्री यूनियन बजट से भी कोई क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आ रहा है सो लेट सी द डिफरेंस एडिशनल टॉपिक्स में रेशियो एनालिसिस कैपिटल बजटिंग पूरा एफ एम है फर्स्ट ऑफ ऑल एफ एम है एंड बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग है सो दैट्स अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन आर में आपको एफ करने की उतनी ज़रूरत नहीं है रेशियो एनालिसिस कैपिटल बजटिंग एवरेजेज कैश फ्लो स्टेटमेंट द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड डरेवेटिव उतना नहीं आता है आर स्केल टू स्केल थ्री में यहाँ पर आता है एंड दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस होल वीडियो ऑफ दिस होल सेशन वी कैन टू डू द एनालिसिस ऑफ प्रीवियस पेपर ऑफ़ बैंक ऑफ महाराष्ट्र सो बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग में से भी दो चार क्वेश्चन आते हैं जनरली सो ले मी जस्ट हाइड माई सेल्फ सो दैट यू कैन रीड द कॉन्टेंट प्रॉपरली सो पी एस एल प्रायरिटी सेक्टर लैंडिंग इट इज एनी वेज एन आर बी आई सर्कुलर ये मास्टर सर्कुलर है ये आर बी आई का एक मास्टर सर्कुलर सर्कुलर है प्रायरिटी सेक्टर लैंडिंग तो आता है फेमा में से क्वेश्चन आया है फेमा इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोथ आर आर बी जी बी ओ एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र आई एफ एस सी फुल फॉर्म यू फाइंड अ लॉर्ड ऑफ बेस क्वेश्चन फ्रॉम बेसिक बैंकिंग आई एफ एस सी का फुल फॉर्म राइट ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं लास्ट ईयर भी आए हैं इस साल भी आएंगे सो रिवर्स रेपो रेट कितना है वॉट इज द रिवर्स रेपो रेट एंड एस एल आर रेट वेरी बेसिक क्वेश्चन यू शुड नो वट इज़ द एग्जिस्टिंग सी आर आर एस एल आर रेट जो एग्ज़ाम की डेट पर चल रहे हैं यू शुड नो दैट नैगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अ लॉट ऑफ क्वेश्चन आर आस्ट फ्राम नेगोशियेबल इंस्ट्रोमेंट्स एक्ट बोथ इन आर आर बी एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इफ द अमाउंट इज स्टेटेड डिफरेंटली इन फिगर्स एंड वर्ड्स राइट सो ये रिसेंटली अभी हमने किया था आई गेस नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट सो अगेन एन आई एक्ट में से क्वेश्चन है लोक अदालत दिस इज अम्पॉर्टेंट टॉपिक सात आठ महीने पहले तो बहुत ही न्यूज़ में था इट्स इन द न्यूज़ सो वी अटू डू दैट बेलर एंड बेली सो दिस इज अगेन नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट सो यू कैन सी अ लॉट ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट आर बी आई कंसोटियम दिस इज एन आर बी आई सर्कुलर डी डी शुड नॉट बी अबव दिस इज आई गेस नैगोशियबल इंस्ट्रूमेंट अगेन इनकम टैक्स एक्ट सी दिस इज़ अ काइंड ऑफ न्यूज सो न्यूज़ में था नॉट नेसेसरली आपको पूरा इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना है आई वोंट रिकमेंड दैट बहुत बड़ा है नहीं ज़रूरत दिस इज द नोमरिकल ये एक ही क्वेश्चन है सो बेसिकली दिस इज आपको अगर बेसिक अकाउंटिंग का नॉलेज है यू कैन ईजिली डू दैट ओके बेसिक अकाउंटिंग कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं यहाँ पे ए एम एल डॉक्यूमेंट्स फॉर हाउ मेनी ईयर्स लिमिटेशन एक्ट में से क्वेश्चन आते हैं ठीक है सो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इसमें से भी थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं आर की गाइडलाइन है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सो दैट वॉज इन द न्यूज एनी सो बैंक गारंटी डेफर्ड बैंक गारंटी टाइप्स ऑफ गारंटी वी हैव ऑलरेडी डन इन द कॉस यू कैन जस्ट चेक इट सो ये ऑलरेडी आपके कॉस्ट में है स्टैंड अलॉन एल सी टाइप्स ऑफ एल सी वी हैव ऑलरेडी डन दैट इन द कॉस ये एग्जाम में काफ़ी आता है स्मैरा का फुल फॉर्म सो so, फुल फॉर्म्स काफी आए थे पिछले साल दिस इज सम ऑफ द बेसिक टॉपिक्स ये आपको करने पड़ेंगे फुलिस आरबीआई का सर्कुलर है ठीक है अगेन सुकन्या स्मृति योजना में से क्वेश्चन था थ्री क्वेश्चन फ्रॉम सुकन्या स्मृति आई मीन आते हैं गवर्नमेंट स्कीम से भी आप देखे काफी सारे क्वेश्चन हैं आर वी एंड अगेंट सिक्योरिटी सी आर आर रेट कितना है एस एल आर कौन सेक्शन में आता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट सो सम ऑफ द क्वेश्चन वर आस फ्रॉम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एंड द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट दो एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है पावर ऑफ अटर्नी वेरी इंपॉर्टेंट सो देर इज अ टॉपिक कॉल्ड डॉक्यूमेंटेशन इन द कॉर्स उसमें आपको स्टाम्प ड्यूटी एक्ट मिलेगा रजिस्ट्रेशन एक्ट मिलेगा एंड यू विल बी फाइंडिंग द लिमिटेशन एक्ट सो दीज थ्री एक्ट फर देयर आर देयर इन द डॉक्यूमेंटेशन चैप्टर बेसिक ही करना है ज़्यादा डायरेक्ट पढ़ने की उसकी जरूरत नहीं है uh, जीवन ज्योति बीमा योजना एनुअल uh, प्रीमियम कितना है कवर कितना है दो क्वेश्चन आए थे uh, सुरक्षा बीमा योजना अगेन uh, दो क्वेश्चन आए हैं मैक्सिमम एज कितना है कवर कितना है आते हैं डिस ओनर ऑफ द चेक नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में से क्वेश्चन दो क्वेश्चन आ गए यहाँ पे तीन क्वेश्चन पहले आए हैं सो यू कैन सी अ लॉट ऑफ क्वेश्चन आर देयर फ्रॉम नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बैंकिंग रेगुलेशन से क्वेश्चन आ रहा है बैंक गारंटी टाइप ऑफ गारंटी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उमेंसमैन स्कीम आरबीआई सर्कुलर एक साल दो 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 साल पुराने सर्कुलर में से क्वेश्चन आते हैं कई बार तो मीडियम इंटरप्राइज की डेफिनेशन क्या है लास्ट ईयर चेंज हुई थी राइट वेन कस्टमर प्रेजेंट अ चेक टू द ब्रांच फॉर पेमेंट क्लैरिटी नहीं है पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही है सो कोलिट्रल फ्री लोन बाय एन बी एफ सी अगेन ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एविडेंस एक्ट ये सारा आपका डॉक्यूमेंटेशन से आया हाँ है सो करंट रेशियो से भी क्वेश्चन हैं ठीक है करंट रेशियो से भी क्वेश्चन है सो वट आर द एडिशनल टॉपिक्स यू कैन सी स्टूडेंट्स वट आर द एडिशनल टॉपिक्स दैट यू हैव सीन एक तो ये देखिए कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में से काफी सारे क्वेश्चन हैं प्लीज डू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट प्रॉपरली काफी सारे क्वेश्चन आपको इसमें से मिलेंगे यू नीड टू गो थ्रू द लेटेस्ट नंबर्स लेटेस्ट एस एल आर रेट लेटेस्ट रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट ये सारे आपको करने हैं ठीक है एंड देन नमेरिकल्स आ जाते हैं काफ़ी बेसिक आपको रेशियो एनालिसिस मैंने यहाँ पे बताया भी है रेशियो एनालिसिस कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैपिटल बजटिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डरेवेटर्वस टाइम वेलेम ये कुछ एक एडिशनल टॉपिक्स हैं जो आपको करने पड़ेंगे नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट पर एडिशनल फोकस रखना है यहाँ पर आरबी गाइडलाइंस यहाँ पे थोड़ी कम आती है एक्ट में से क्वेश्चन ज्यादा आए हुए हैं यू कैन सी दैट ओके सो दट वी हैव कवर्ड इन आर अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम अनालिस वी हैव प्रिपेयर द बैंक ऑफ महाराष्ट्र वी आर प्रोवाइडिंग कंप्लीट वीडियो क्लासेज नोट सीरीज टेस्ट सीरीज में हमने वी आर प्रोवाइडिंग द सुपर सेट सो टेस्ट सीरीज बनाने का पूरा टाइम मिला नहीं है बट वी हैव डन एट हंड्रेड क्वेश्चन इन द सुपर सेट गो थ्रू द सुपर सेट इट्स पार्ट ऑफ द कॉज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एट वन प्लेस एंड वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द पावर कैप्स्यूल एज वेल सो इसका सेपरेटली हम पावर कैप्स्यूल भी बना रहे हैं मे बी बाई टू और थ्री डेज वील बी गोइंग टू लॉन्च दस ओके सो लिस्ट ऑफ आर सक्सेसफुल स्टूडेंट्स इन ट्वेंटी ट्वेंटी टू एट स्टूडेंट्स गॉट फाइनल सिलेक्शन वफ़ बैंक एग्जाम्स उ All these students, they took our courses in the past and they cracked the respective exams. I'm really, really happy for them. Uh, if there is any doubt in your mind, students, you can ask your doubts and we are going to answer your doubts. And that's all for today, students. Thank you and have a very nice day. Bye bye.